71% सांसदों को, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये लोकतंत्र की हत्या की चरम है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। जाट और किसानों से जोड़ रहे हैं, तो गाजीपुर में जब किसान बैठे थे और भाजपा वाले पुलिस वालों को कह रहे थे कि इनको लठ मारो हम देख लेंगे, कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, वो सदन के भीतर क्या इस गेट्स के अंदर भी नहीं जा सकते, कि भाजपा वाले अब बिना विपक्ष के ही पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है वो हम कर रहे थे। क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ? देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। भैया आज जिस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है और 71% सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या की चरम है, अहंकार की चरम सीमा है। और जिस तरह मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मिमिक्री को मुद्दा बनाया जा रहा है, हमारी लोकसभा स्पीकर कांग्रेस की मीरा कुमार थी, उनको सरेआम टीवी में उनकी मिमिक्री हो रही थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये दलित का अपमान है। अगर ये जाट और किसानों से जोड़ रहे हैं, तो गाजीपुर में जब किसान बैठे थे वो जाट भी थे, हरियाणा के भी थे, किसान भी थे और भाजपा वाले पुलिस वालों को कह रहे थे कि इनको लठ मारो हम देख लेंगे, तब किसी भी भाजपा नेता ने किसानों के अपमान और जाटों के अपमान की बात नहीं कही। जब हमारी बच्चियां पहलवान हरियाणा की किसान फैमिली से जाट फैमिली से बैठी थी और वो मिमिक्री हुई है इसलिए नहीं रो रही थी, वो ये बोल रही थी कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तब किसी भी भाजपा नेता को उन जाट परिवार की बच्चियों का अपमान नहीं लगा, उनके लिए शर्मिंदा नहीं हुए। आज जिस तरह की छोटी राजनीति हो रही है, ये पूरा देश शर्मसार हो रहा है और ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कल भाजपा वाले ये सर्कुलर भी दे दे कि जितने भी सस्पेंड सांसद हैं वो सदन के भीतर क्या इस गेट्स के अंदर भी नहीं जा सकते, और कल ये भी सर्कुलर आ सकता है कि भाजपा वाले अब बिना विपक्ष के ही सरकार चलाना चाहते। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है, हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है वो हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है, अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए, क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो सदन में बताने की चीज़ें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक ही शुड कम एंड स्पीक इन द हाउस फर्स्ट लोकसभा राज्यसभा, इंस्टेड ऑफ दैट ही वॉज स्पीकिंग आउटसाइड।